चलिए आपको दिखाते हैं प्रेम क्लब सोसाइटी ड्रामा की तैयारियाँ। यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर साल की तरह इस साल भी होली का ये कार्यक्रम है, प्रेम क्लब सोसाइटी द्वारा ये किया जाता है। इसमें ड्रामे बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं और दिखाए जाते हैं, पब्लिक की मनोरंजन का कार्यक्रम है। और देखिए यहाँ पे मेकअप रूम और ड्रेसिंग रूम है भाई साहब। यहाँ पे जो कलाकार को सजाया जाता है, जो रूप निखारा जाता है, बहुत ही अद्भुत चीज़ होता है। और उसे ही कलाकार को अद्भुत बनाने के लिए ये लोग काफ़ी प्रयास करते हैं। प्रेम क्लब सोसाइटी का ये अद्भुत कार्य है। आइए चलिए कुछ लोग से बात किया जाए इस ड्रामे के बारे में। आज के ड्रामे के बारे में क्या उपदेश है लोगों का? हमारे प्रेम क्लब सोसाइटी के माध्यम से, जो सिटी कोतवाली के पीछे गुदरी में स्थित है, आज रंगारंग कार्यक्रम में बदले की आग का प्रोग्राम किया जाएगा। बदले की आग का? हाँ, ये बताइए कि आप लोग इसमें कितने साल से काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ के पुराने कलाकार हैं और कई सालों से हमारा ये प्रोग्राम परंपरागत चले आ रहे हैं। आज कौन सा पार्ट है? आज हमारा इस स्टेज पे बदले की आग में ठाकुर श्याम सिंह का पाठ है। श्याम सुंदर का पाठ है आपका। कैसा लगता है लोगों को? तो बहुत अच्छा लगता है। और इस कारण, इसका परिणाम आपको क्या है कि यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है, अभी तो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, जस हमारा जैसे स्टार्ट होगा, यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती, इतना भीड़ हो जाता है। तो पब्लिक को कैसा भाता है? यहाँ के पब्लिक तो बैठ जाते हैं तो फिर उठते ही नहीं है कुर्सी छोड़कर। चलिए ठीक है, ये सब अग्निवीर हैं। ये बताइए यहाँ पे आप सभी को जो है एक नया रूप देते हैं, एक नया कलाकार बनाते हैं जी। आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार जी सर। तो ये कितने साल से ये सब काम कर रहे हैं? ये बचपन से, जब से हम जानकारी में, तब से काम चल रहा है हमारे यहाँ। मेकअप का काम हुआ, ड्रेसिंग का काम हुआ, सारा काम यहीं पे किया जाता है और सबका सहयोग रहता है। सबका, सबके सहयोग से कार्य होता है, क्योंकि लोग के सामूहिक मतलब सहयोग है इसमें। आज का ड्रामा बदले की आग है और ये सामाजिक कुरीतियाँ इसमें दिखाया गया है। उसी को दिखाया गया कि समाज में, ग्राम में किस तरह से लोगों को दबा के कुचल के रखा जाता था, उसी के द्वारा ही दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग काल के आपने मेकअप किया है? करीब 15 से 16 पात्र हुए हैं अभी तक। अच्छा, आज का 15-16 पात्र है? 15-16 पात्र हो गए हैं। धन्यवाद। आपका नाम मिथिलेश? ठीक। ये बताइए कि आज आपका क्या रोल है? आज हमारा ठाकुर अजय प्रताप सिंह एक दरोगा है जी, वही रोल है बदले की आग में। बदले की आग। और क्या करेंगे आप ठाकुरों को, क्या करेंगे? अब जो क्राइम करेगा उसको जेल में करेंगे। जेल में करेंगे? बिल्कुल। मतलब ये पार्ट आप कितने साल से कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं 1996 से। 1996। क्या नाम है आपका? शरद। शरद जी, लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट करते हैं लोग। हाँ। ये 200 साल पुराना है। यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो आप कितने साल से देख रहे हैं? अरे हो गया है, 3 साल से ऊपर हो रहा है। 3 साल से ऊपर हो रहा है। हाँ। छोटे बचपन से देख रहे हैं? और बचपन से देख रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? रेशमा। हाँ? रेशमा जी। रेशमा जी, तो आज यहाँ पे प्रेम क्लब सोसाइटी का प्रोग्राम आप देखेंगे पूरी रात एंजॉय के साथ। धन्यवाद। यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगता है? हमें यहाँ का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। पिछले 5-6 साल से आ रहे हैं। 5-6 साल से देख रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कोई तकलीफ? जी जी कुछ नहीं। हाँ। सब बैठने की सुविधा है, खाने पीने का सामान पास में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं, फुल एंजॉय होता है सर। क्या नाम है आपका? प्राची सिंह। ये बताइए यहाँ जो प्रेम क्लब सोसाइटी द्वारा ये कार्यक्रम दिखाया जाता है, आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ। तो कितने सालों से देख रहे हैं? जब से 25 साल से। हाँ। 25 साल से, मतलब जब से हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं। अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। कोई तकलीफ? मनोरंजन बड़ा कार्यक्रम है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ।
बताइए कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बताइए आपका नाम क्या है? प्रमिला। यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो कोई दिक्कत या कोई नहीं फुल एंजॉय होता है, बढ़िया लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम लोग दूर दूर से आते हैं, बनारस से आते हैं खाली देखने के लिए। बनारस से आते हो? हाँ। भाई क्या नाम है आपका? गोविंदा। गोविंदा, गोविंदा जी आए हैं बनारस से देखने के लिए। क्या नाम है सर तुम्हारा? विनय कुमार। विनय कुमार, यहाँ प्रोग्राम देखने आए हैं? कैसा प्रोग्राम रहता है? ठीक है, ठीक है, बढ़िया होता है, अच्छा लगता है। क्या नाम है? विजय। विजय, यहाँ का प्रोग्राम कैसा होता है? बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। हाँ। कितने सालों से देख रहे हो? बहुत साल से देख रहे हैं। साल से? हाँ। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। ये आप यहाँ का प्रोग्राम देखने आए हैं? जी सर, हम बदली घाट से आए, इसी एरिया। अभिषेक कुमार उमरवेश नाम है हमारा। प्रोग्राम कैसा होता है? बहुत बढ़िया होता है, हर साल यहाँ पे लगती हुई झांकी है। और ये झांकी मनोरंजन के लिए है, जो कि हम लोग को मनोरंजन करती है। पब्लिक को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया झांकी होता है यहाँ पे। ये जो कसेरा लोग रहते हैं यहाँ पे, ये सारे लोग करवाते हैं मिलजुल के। अच्छा। बढ़िया होता है, अच्छा लगता है। उमेश केसरी। उमेश केसरी, यहाँ प्रोग्राम जो होता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। मनोरंजन कार्यक्रम? मनोरंजन कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम रहता है। तो कितने साल से देख रहे हैं? हम बहुत साल से देख रहे हैं। बहुत साल से? हाँ। पूरी रात देखेंगे? हाँ, पूरी रात देखेंगे। अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। क्या नाम है? अभिषेक वर्मा। यहाँ का प्रोग्राम जो होता है, हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। तो हर साल देखते हैं? हाँ, हर साल देखते हैं। हर साल एंजॉय करते हैं। यहाँ के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं, कैसा होता है? यहाँ का प्रोग्राम मैं बचपन से देख रहा हूँ। यहाँ का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3 दिन का हम लोग का त्यौहार होता है, और यहाँ के प्रोग्राम में सब बड़े लोग आते हैं, यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। हमारे दादा चाचा सभी लोग यहाँ पे प्रोग्राम कर चुके हैं, और यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह होता है। और यहाँ का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है हमको, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है अनुज। अनुज, अनुज। हमारा श्री भोलानाथ कसेरा। तो यहाँ का प्रोग्राम कैसा होता है? प्रोग्राम यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होता है, और ऐतिहासिक चीज होती है, और मतलब अपने समाज की, कसेरा समाज की ज़्यादा इसमें है इन्वाल्व। हाँ, सरकत्ता है, इन्वाल्व है। कैसा लगता है? लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, रात रात भर जाग के कल हम लोग इंजॉय लेते हैं, मजा लेते हैं। धन्यवाद। ये बताइए कि यहाँ का प्रोग्राम जो होता है रंगारंग कार्यक्रम, कैसा लगता है? ये जो गुदरी के ऐतिहासिक परिसर में प्रेम क्लब सोसाइटी द्वारा ऐतिहासिक ये जो ड्रामा का शो होता है, ये बहुत ही अद्भुत होता है। ये प्रत्येक वर्ष की भांति होली के प्रथम दिन, एक दिन गैप और 3 दिनों का ये मेला होता है, ड्रामा होता है, बहुत ही अद्वितीय होता है, अद्भुत होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और एक से एक पुराने नए सीरियल जो भी हैं या धार्मिक पौराणिक कथाएं हैं, उन पर मंचन होता है, और समाज के द्वारा ये बहुत अच्छा ही प्रोग्राम होता है। इसको देखने से आदमी बड़ा ही उत्साहित होता है, साल भर इसको इंतजार लोग करते हैं। क्या बहुत ही सुंदर, पूरी टीम प्रेम क्लब की पूरी टीम को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। मेरा नाम नितेश वर्मा है, वंशी है।